हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और ये रक्षाबंधन का ब्लॉग है, सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। और मेरे घर में बन रहा है अभी छोले, और छोले बनाने अभी मैं जा रही थी, और दूसरी साइड में यहाँ पे मीना ने रखा है खीर। तो आज के दिन तो ये सारा कुछ बनता ही है, कुछ मीठा तो बनेगा ही। और छोले बन रहा था और हमारे घर में बनेगी पूड़ी। तो सुबह सुबह का टाइम है और सबसे पहले हमारा हो रहा था खाना बनाने का। खाना बनाने के बाद हम सब लोग फटाफट नहाएंगे, और यहाँ पे सूखा नारियल जो होता है वो मीना ने थोड़ा सा कद्दूकस किया, उसके बाद वो उसको खीर में ऐड कर रही है। और लास्ट लास्ट लगभग खीर बन चुकी है, लास्ट लास्ट में वो उसको ऐड कर रही है ताकि खीर का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाए। और मम्मी यहाँ पे आंगन में है, और मम्मी को एक्चुअली क्या हुआ था उस दिन, सर में चोट लग गई थी और उनका सर जो था थोड़ा सा मतलब ना कट गया था, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। सुबह सुबह काम करने के चक्कर में ना उनके सर में लग गया था, तो यहाँ पे वो आंगन में बैठी हैं और वहाँ पे कर्टिन वगैरह लगा के वहाँ पे चिपका के काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। तो शाम को वो इंजेक्शन उनको दिलाया, लेकिन इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा उनको दर्द हो रहा था। यहाँ पर मैं छोला बनाने जा रही हूँ। तो छोले बनाने के लिए पहले ही मैंने दिखाया था कि चने जो थे उसको बॉईल कर दिया था मैंने, और उसके बाद यहाँ पे प्याज लहसुन हरी मिर्च वगैरह सब कुछ कट कट के उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। मैं प्रेशर कुकर में ही डायरेक्ट बना रही हूँ, बहुत लोग कढ़ाई में बनाते हैं। उसी बीच में मैं यहाँ पर आई थी, स्पर्श को देखी ना कि नमकीन का पूरा पैकेट फाड़ के और बैठ के अकेले खा रहा था। यहाँ पर देखिए बाबू ऐसे ही कर ये रखा हुआ था ना वो ले जाके, फिर मैं उसको ना बोली कि ऐसे थोड़े ना खाते हैं, पूरा फाड़ के देखिए उसमें निकाल निकाल के खा रहा है। फिर मैं उसके लिए प्लेट लेके आई, और प्लेट में बाबू को मैंने थोड़ा सा निकाल के दे दिया कि आप प्लेट में से खाओ और पैकेट मुझे दे दो। तो ये मैं लेके जा रही थी अभी किचन में, तो यहाँ पे उसको भूख लगी थी शायद, इसलिए वो ना खा रहा था। उसके बाद मैं अभी बनाने जा रही हूँ छोले, तो इसकी रेसिपी आज नहीं शेयर कर पाऊँगी अच्छे से, बस थोड़ा बहुत मैंने जितना शूट किया था उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ब्लॉग भी मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बना पाई थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था ब्लॉग ज़्यादा लंबा बनाने का, बिज़ी सी थी बहुत ज़्यादा मैं, और मम्मी की भी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, और हमारा दोपहर का टाइम तो ऐसे ही गुजर गया था। यहाँ पे जो खड़े मसाले होते हैं गरम मसाले में, वो मैं डाल रही थी। यहाँ पे मीना कर रही है अभी बर्तन को वॉश, थोड़े बहुत बर्तन निकलते जाते हैं, अगर वो वॉश हो जाते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर में प्याज डाल रही हूँ, और प्याज डालने के बाद मैं थोड़ा बहुत इसको भून लूँगी और नमक डाल दूँगी। उसके बाद एक साइड में खीर भी लगभग तैयार हो चुकी है। यहाँ देखिए मसाला रेडी हो चुका है, और मैं जो मसाला गोली थी उसको डाल दी थी, टमाटर नहीं था, तो मैं यहाँ पे केचप डाल रही हूँ, उसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग ना छोले में ऐसे बना के डाल के देखना, तो मैंने थोड़ा सा वो पानी में घोल के और डाल दिया था क्योंकि टमाटर मिला ही नहीं, पापा गए भी थे लेके आने के लिए बट नहीं मिला। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और बस राखी बांधने की तैयारी कर रही हूँ। राखी जो था इसी डब्बे में था, तो जो उसको मैं कट कर रही थी क्योंकि सारा राखी जो था वो पैक था, तो मैं कट करके उसको निकाल रही थी, और ये प्लेट मैंने लगा रही हूँ। वैसे आरती वगैरह का थाली मैं नहीं सजा रही क्योंकि आरती वगैरह नहीं दिखाना है, बाबू को ऐसे ही सिंपल सा ही बांधूँगी मैं। अगर उनकी कोई सिस्टर होती तो आरती वगैरह सब करती। तो यहाँ पे मैं सब कुछ वहाँ पे रोली चंदन, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। अभी 11 बज रहे हैं और मैं ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, मॉर्निंग से स्टार्ट कर दी थी, कैमरे के सामने अभी आ रही हूँ। और यहाँ पे मैंने स्पर्श के लिए तैयार कर ली है, बाबू को बांधने के लिए। यहाँ पे रोली है, स्पर्श इधर देखो, यहाँ पे रोली है, अच्छत है, और ये राखी जो है ये मेरी दी ने भेजा था, उनकी बेटी जो है सानवी, और ये एक राखी ये है, तो अभी दो दिन पहले पहुंचा था। उसके बाद स्पर्श कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ राखी बांध रहा है, देखिए कैसे भाग रहा है। अभी उसको तैयार कराना, टी शर्ट मैंने पहना दिया, पैंट अभी उसको नहीं डाला है। और उसके बाद स्पर्श के लिए उसने ये लिखा था, वैसे आप लोगों को उर्दू समझ में आएगा, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसने शायद उसने लिखा है डियर भाई हैप्पी रक्षाबंधन फ्रॉम सानवी, और इस तरीके से उसने लिखा है। मैं आप लोग को अच्छे से दिखाती हूँ, हो सकता है कि आप लोग को उल्टा कहीं दिखे। देखिए कैसे उसने लिखे, अभी स्पर्श के बराबर ही है वो, लेकिन इस तरीके से उसने लिख के भेजा है। और बाबू भाग गया, मैं उसको अभी कैमरे के राखी बांधने के लिए उसका पैंट ढूंढ रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर सामान हो गया है। निकाल रही हूँ एक मीना के लिए राखी और एक खुद के लिए राखी, तो ये मैं बांधूंगी, और एक ये मीना बांधेगी
सेम से नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। ये आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसे रहेगा, ठीक है, ये एक ऐसे रहेगा। यहाँ पे बाबू बैठ गए हैं राखी बंधवाने के लिए और मैं बस इस रूम में आ गई हूँ और मैं बांधने जा रही हूँ राखी बाबू के लिए। और काफ़ी ज़्यादा खुश था, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम भी बांधा था लेकिन उतना समझ में नहीं आया था बाबू को, लेकिन इस बार बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि हाँ रक्षाबंधन है। तो मैंने उनको टीका लगा दिया है, उसके बाद मैं राखी बांध रही हूँ और मम्मी ने पेड़ा बनाया था वो है तो वो मैं खिलाऊँगी। और यहाँ पे टीवी भी चल रहा था, उसका ध्यान जो था ना टीवी पे था और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था लेकिन वो काफ़ी देर तक रखा नहीं, बस उसने बांधा और तुरंत तुरंत उसको चुभने लगा, निकाल दिया, पता नहीं क्यों ऐसे करा, मुझे समझ में नहीं। यहाँ दिखा रहे हम दोनों राखी, बाबू और हम दोनों, यहाँ खिला रही हूँ स्वीट्स लेकिन नहीं खाया। उसके बाद मैं अपनी राखी बांधने जा रही हूँ जो मेरी ननद ने भेजा था। तो यहाँ पर मैं बाबू को दिखा रही थी कि बाबू मैं राखी बांधने जा रही हूँ, और सॉरी मैं, बहुत सारे लोग मेरे को ऐसा कॉमेंट्स कर दिए हैं कि आप अपनी ननद को दीदी क्यों नहीं बोलते हो, आपसे छोटी हो तो भी उसको दीदी बोलो। तो मैं दीदी बोलती हूँ, मेरी ननद मुझे पता है या बड़ी हो या छोटी हो दीदी बोलना चाहिए, कई जगह ऐसा रिवाज होता है और हम लोग भी बोलते हैं छोटी भी हो तो भी दीदी बोलते हैं, लेकिन कभी कई बार ऐसा हो जाता है मुंह से निकल जाता है मेरे कि ननद ऐसे बोल देती हूँ मैं। यहाँ पे बस मैं राखी बांध रही हूँ, मीना को बुलाई थी लेकिन अभी वो थोड़ा सा बिजी थी तो बाबू के खुश करने के चक्कर में मैंने अभी राखी बांध लिया है। तो बाबू और मैं दोनों लोग राखी बांध लिए, बाबू अपना राखी दिखा दो। और ये है मेरी राखी जो मैं आपको पहले भी वीडियो में दिखा चुकी हूँ, और मीना की राखी साइड में है, मैं उसको बुलाई लेकिन अभी वो ना आई नहीं तो मैंने अभी बांध लिया क्योंकि 12 बजने वाले थे और उससे पहले मेरे को बांध लेना था। तो ये देख रहे हो, और मैं कल अपनी मेहंदी नहीं दिखाई थी, सो मेहंदी काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो चुकी है, रात में मैं लगा के सोई और मॉर्निंग में देखी इस तरीके से हुए, बैक साइड में बस थोड़ी सी मैं लगाई थी। और बाबू अपनी राखी दिखाओ, स्पर्श नहीं निकालते बेटा, राखी नहीं निकालते, ये पहनते हैं, ये अभी से की राखी हो, ये कौन बांधा, मम्मा और ये क्या बांधे हो, राखी बांधा, राखी बोलो, राखी राखी, और कौन बांधा बेटा, ये कौन बांधा है, मम्मा। यहाँ पे बाबू को राखी चुभ रही थी, दो तरह का राखी था तो मैं एक निकाल दे रही थी और फिर मैं दूसरा बांधूंगी, लेकिन वो खुल जा रहा था बार बार। यहाँ पे वो मैं बार बार बोल रही थी कि कम से कम एक दो घंटे रख लो बाबू, लेकिन उसको रखना ही नहीं। जब ये टू राखी आया था ना बेटा, दिखाओ तो दोनों राखी, स्पर्श के लिए टू राखी आया था, क्यू टू के लिए। यहाँ मैं बांधने जा रही हूँ मीना को राखी, तो हम देवरानी जेठानी का रक्षाबंधन आप लोग देख लो, लास्ट टाइम मेरे साथ साधना थी तो हम दोनों ने एक साथ रक्षाबंधन मनाया था, इस बार मेरे साथ मीना है तो मैं मीना को यहाँ पे राखी बांध रही हूँ। और ऐसे ही अगर कोई नहीं है तो सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, थोड़ी सी खुशी आ जाती है और क्या, और कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पर मीना मुझे स्वीट्स खिला रही थी और फिर उसने बाबू को भी खिलाया, और हम सब, मेरी जो ये कुर्ती पहनी हूँ ना ये थोड़ा सा लूज़ है, अभी मुझे थोड़ा फिटिंग करना है लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे बाबू परेशान हो गया था कि मेरा राखी खोल दो, तो मैं एक खोलने के लिए बोल रही थी कि मीना एक खोल देते हैं, देखिए कितना ज़्यादा उसके फेस से देखिए कितना परेशान है वो, पता नहीं क्यों एकदम उसको ना होता नहीं कि अगर हाथ में कुछ कोई नहीं पहनता है तो अजीब सा लगता है। और एक मेरी सब्सक्राइबर है जिनका नाम है प्रियंका, तो आज उनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे डियर, गॉड ब्लेस यू। और अभी अभी मुझे जस्ट याद आया है ना वीडियो एडिट करते करते तो मैंने उनको विश कर दिया। यहाँ पे राखी खोल रहे हैं क्योंकि बाबू को बहुत ज्यादा चुभ रहा था। बोलो सबसे, हाँ ठीक से बोल दो बेटा, बोलो हैप्पी रक्षाबंधन, फिर से बोलो, हाँ रक्षाबंधन बोलो, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे दीदी की लड़की आ गई है राखी बांधने के लिए, और यहाँ पे बाबू बैठा हुआ है राखी बंधवाने के लिए, तो यहाँ पे स्वीट्स लेके आई थी और यहाँ जो प्लेट था उसमें उन्होंने राखी रखा है, और यहाँ पे पापा थे, मैं वीडियो थोड़ा सा वीडियो क्लिप बना रही थी, और ये लोग भी हैं, ये हमारी ननद के लड़के ही हैं, और यहाँ तीनों लोग बैठे हुए हैं। तो वो लोगों ने राखी बंधवा लिया था, वो लोग अपने घर से राखी बंधवा के आए थे, लेकिन ये यहाँ पे बाबू बंधवा रहा है, और मुझे बड़ा मतलब इतना इमोशनल सी हो गई थी ना इस टाइम पे क्योंकि फर्स्ट टाइम बाबू को कोई राखी बांध रहा था, इससे पहले किसी ने बांधा नहीं था, किसी सिस्टर ने नहीं बांधा था।
यहाँ इन लोगों की सबकी मस्ती चालू है और यहाँ मैं साइड में बैठी हुई थी और यहाँ पे मीना आई हुई थी तो वो लेके आई थी पानी एंड पेड़ा और यहाँ मैं फ़ोटोज़ भी ले रही थी, साथ में वीडियो भी ले रही थी। यहाँ पे बाबू अपनी दीदी को सुना रहे थे जो जो उनको याद था, 1, 2, ABCD और क ख ग घ और आ सब उनको सुना रहे थे बैठ के, और उसको काफ़ी अच्छा लगता है किसी के साथ भी जो उसको चीज़ें याद होती है। उसके बाद मैं आ गई थी अपने बेडरूम में और यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्मी था तो यहाँ हम सब बैठ के बातें कर रहे थे। कूलर ऑन था जिसकी वजह से थोड़ा सा ठंडक था इस रूम में और काफ़ी देर तक हम बात किए, लगभग 2 घंटे तक बात किए थे। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो बातें थी वो चल रही थी, हंसी मजाक चल रही थी। और यहाँ पे हम सब खाने वाले हैं खाना, और आप लोग इग्नोर करिएगा, हम बेड पे ही बैठे हैं खाने के लिए, क्योंकि यहीं बैठे हुए थे। बेडशीट भी मुझे चेंज करना था तो कोई चक्कर नहीं था, अगर बेडशीट नहीं चेंज करना होता है तब रहता है, तो प्लीज़ आप लोग इसको माइंड मत करिएगा। तो हम लोग यहाँ बैठ गए थे और बाबू को भी भूख लगी थी, सब हम लोग बातें करते करते, और फिर हम लोग खाना भी खा रहे थे। हम लोग खा रहे हैं पूड़ी खीर और साथ में है छोले। तो उसके बाद वो सब लंच वगैरह करने के बाद मैं यहाँ पे, शाम का टाइम था ये 5 बजे का, और मैं आ गई थी बर्तन वॉश करने के लिए। बहुत सारे बर्तन हो गए थे तो आज सुबह सुबह खाना बना था। उसके बाद हमारा दोपहर का जो टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा बिजी था। तो उसके बाद यहाँ पे मम्मी डॉक्टर के पास अभी गई हैं क्योंकि वो उनको इंजेक्शन दिलवाना था। और यहाँ पे मतलब एक ना समझ लो कि बहुत ही, हम सुबह वो हादसा सा हो गया था, वो एकदम बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गई थी, उनका सर थोड़ा सा कट भी गया था। यहाँ मीना भी किचन में है तो टिटनेस वाला जो इंजेक्शन होता है ना वो अभी दिलवाने गई हुई थी। और यहाँ पे जो कुछ सामान थे उसको डब्बे में डाल रही है मीना, चीनी थी और कुछ कुछ था तो वो सारा डब्बे में डाल रही है और बातें कर रही थी, हंस रही थी। और इसके बाद मैं ज़्यादा ब्लॉग्स नहीं बना पाई क्योंकि शाम के टाइम के बाद ना इतनी गर्मी थी ना कि परेशान से हम सब हो गए थे। और उसके बाद तो हम फटाफट नहाए, सब लोग नहाए। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी आप लोग के साथ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, अगर ब्लॉग्स मेरे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।